माई नेम इज़ डॉक्टर गौस अहमद। बेसिकली मैंने 2018 के एंड पे सोचा था कि मैं प्लैब वन करूँ और प्लैब टू करूँ, आई शुड मतलब मूव आउट ऑफ दिस कंट्री। तो एट दैट टाइम IELTS ही होता था और OET पाकिस्तान में कोई करा आ रहा नहीं था। तो देन आई केम टू नो के MNM इंस्टीट्यूट में सर गजनवी होते हैं, वो OET कराते हैं। तो माई फ्रेंड रेफर्ड हिम एंड स्पोक वेरी हाईली ऑफ हिम, सो आई वेंट टू हिम और इन नो डाउट देयर वाई ही वॉज स्पीकिंग हाईली ऑफ हिम। और मैंने जब सर से मिला, सर नॉट ओनली गाइडेड मी थ्रू दी OET, ही ऑल्सो गाइडेड मी मोरली। आई वॉज क्वाइट डाउन आफ्टर माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन OET, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ड एनी एग्जाम। एंड मैं दुबई गया था, देर वॉज नो एग्जाम इन पाकिस्तान एट दैट टाइम। मेरे भाई का क्लियर हो गया, मेरे सारे साथियों का क्लियर हो गया, लेकिन आई मेड अ सिली मिस्टेक ओवर देयर, मेरी अपनी मिस्टेक थी, तो आई मेस्ड इट अप। तो फिर शॉर्ट टर्म मैंने वापस आया, सर ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में OET सेंटर खुल रहा है, तो मैंने जल्दी से एग्ज़ाम बुक किया। फिर मैंने इस टाइम सर की बातें फॉल नहीं और अपनी कुछ ना अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, सर की बात ही मानी और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। फास्ट फॉरवर्ड मैंने प्लैब वन किया, प्लैब टू किया। अब मैंने जब GMC रजिस्ट्रेशन लेनी थी तो अब मैं फ़ेल हो गया, मेरी बेसिकली वैलिडिटी आउट होगी और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट भी फ़ेल हो गई थी प्लैब टू की। उसके दरमियान भी सर ने मुझे सपोर्ट किया था और मैं बहुत लो था उस टाइम पे। मैं वापस आया सर के पास, ऑलमोस्ट आई स्पेंट लाइक 30 डेज मे बी 35 डेज, और मेरा एग्ज़ाम मैंने दिया ये 16 सितंबर को एंड आई सक्सेसफुली पास माय एग्ज़ाम दिस टाइम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो द थिंग इज़ सर, आई फाउंड सर टू बी वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट द प्रोसेस। ही वॉज इन डीड ओवर देयर फॉर मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड। सर के पास आपको एटलीस्ट 45 डेज पहले आना चाहिए। आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू नीड सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम टू डू द प्रैक्टिस, बिकॉज ये प्रैक्टिस है, मसल मेमरी बननी है, आपके रिफ्लेक्सेस बनने हैं। और सर आपको टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे जो आप समझते हैं कि आप अपनी तरफ से कर लेंगे, लेकिन यू फाइंड दैट टिप्स एंड ट्रिक वेरी यूजफुल। मैं जो हूँ सर के पास आया, सर इज़ वेरी हेल्पफुल। उनका एक मॉक प्रोसेस है, रोज़ मॉक होते हैं सर के, पहले मिनी मॉक्स हैं फिर उसके बाद फाइनल मॉक्स हैं। द डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीजेज आप जैसे मूव करते हैं, और रीडिंग और राइटिंग का मैं आपको कह सकता हूँ कि और लिसनिंग का भी कि ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड एज आई फाउंड इट इन OET। और स्पीकिंग के लिए सर ने सिमुलेटर्स रखे हुए हैं, यू गेट अ फीडबैक डिटेल्ड रिपोर्ट जिसमें आपके सारे एरर्स दिए जाते हैं, आपने क्या करेक्शन करनी है। अगर स्टिल आपको अपने डाउट कर रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सर, ही हैज़ अ वेरी लार्ज टीम। आपको मतलब सर की अवेलेबिलिटी या आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल, आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। और राइटिंग फीडबैक आपको स्पॉन्टेनियसली टाइम टू टाइम आता रहता है, रोज़ की राइटिंग का आपको फीडबैक आ जाएगा। सो बेसिकली आई एम सेइंग कि इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव और यू कैन डू फॉर योर सेल्फ अगर आप OET कर रहे हैं। सो आई हाईली रिकमेंड सर गजनवी। थैंक यू।